महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। जनपद सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी श्री दीपक गुप्ता के मार्गदर्शन एवं श्रीमती अर्चना सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के निर्देश अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2022 को जनपद कार्यालय पोहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमती रेखा तिवारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पोहरी एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पोहरी द्वारा उपस्थित महिलाओं को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के साथ साथ बताया गया कि वह घरेलू हिंसा होने पर महिला बाल विकास विभाग अथवा कोर्ट में अपना प्रकरण पेश कर सकते हैं। पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता के माध्यम से महिला संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के पश्चात शिविर में श्रीमान अविनाश छारी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पोहरी द्वारा बाल विवाह रोकने के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनों के प्रावधानों के साथ साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीमती प्रेमलता पाल तहसीलदार पोहरी द्वारा राजस्व विभाग द्वारा महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु चलाई जा रही शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ सिविल मामले में संबंधित प्रमुख सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं की समस्या संबंधित प्रश्न के पूछे जाने पर उपस्थित अधिकारीगण द्वारा उनकी बात का सकारात्मकता रूप से निराकरण किया गया। उस वक्त शिविर में पुलिस संबंधित महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी श्री विनोद यादव थाना प्रभारी पोहरी द्वारा प्रदान की गई। आयोजित शिविर में श्री नीरज सिंह गुजर परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास पोहरी द्वारा शिविर में उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण एवं जन सामान्य का आभार व्यक्त किया गया। शिविर में लगभग 80 महिलाएं लाभान्वित हुई। उक्त आयोजित विधिक साक्षरता शिविर का संचालन श्री सचिन मिश्रा तहसील विधिक सेवा समिति पोहरी द्वारा किया गया। कोई लेन देन की प्रथा इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं या नकार सकते हैं, जैसा भी हो सकता है कि एक आधिकारिक मामले में आप उसको स्वीकार करें या आधिकारिक मामले में उसको नकार दें, मगर ये प्रथा एक कुरीति है। आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते। प्रथा तो बहुत सारी रही है, मगर जरूरी नहीं है कि प्रथा जो सालों से चली आ रही हो, वर्षों से चली आ रही हो, वो सही हो। ऐसी कोई प्रथा जो सालों से चली आ रही हो और आपको गलत लगे या लगती हो, ध्यान है किसी को? सभी प्रथा भी होती थी ना, सही थी, लेकिन बहुत सालों से रही थी, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके ऊपर ये 3-4-5 जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा जहाँ तक विधिक साक्षरता से कहीं ना कहीं मुद्दे की बात यह है कि कुछ लोग अपने तहसील में चलते हैं जमीन से जुड़े और आपराधिक मुकदमे न्यायालय में चलते हैं। विवाद पनपता कहाँ से है? जमीन जायदाद से लेकर लड़ाई हुई, हिस्से बांटे की लड़ाई स्टार्ट हुई थी भाइयों में, लेकिन लट चल गए कहते ना, तो वो नौबत कहाँ गई फिर न्यायालय में। तो अभी हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने एक लोक अदालत लगने जा रही है हमारी 12 नवंबर के दिन। उस लोक अदालत का सीधा सीधा काम ये है, ऐसे मुद्दे, ऐसे धाराएं, ऐसे केस जिनमें राजीनामे की संभावना है, उसमें बिना निर्णय किए राजीनामे किए जाएंगे। और तहसील से जुड़े आपके जैसे विवाद चल रहे हैं, फोदी नामांतरण है, रजिस्ट्री नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, जमीन जायदाद से जुड़े मुद्दे हैं, यदि किसी के आवेदन तहसील में लंबित हैं तो मैडम से, आप तहसीलदार मैडम से जाके बिल्कुल मिलें। 12 तारीख तक वो आपके प्रकरण का निराकरण हर संभव करने का प्रयास करेंगे। और अभी न्यायाधीश महोदय मैडम ने एक चीज़ कहा था महिलाओं के अधिकारों में, किसी भी लड़ाई में दो चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले लड़ाई होती थी तो आदमी तलवार और ढाल दोनों से लड़ता था, दोनों का अपना अपना यूज था, ढाल से बचा और तलवार से बाहर। तो जो भी कानून का उपयोग करें ढाल के तौर पर करें, तलवार के तौर पर ना करें। तो इसी के साथ मैं उपस्थित सभी लोगों से उम्मीद ये करूँगा, यदि आपको थोड़ा सा भी यहाँ से कुछ अगर सीखने को मिलता है तो हमारे आज के शिविर लगाने का उद्देश्य पूर्ण होता है। इसके साथ ही आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आज के शिविर को सफल बनाया, उसके लिए मंच की तरफ से, न्यायालय की तरफ से और तहसील की तरफ से आप सभी लोगों का, उपस्थित लोगों का सादर धन्यवाद।